एवरीवन, वेलकम टू हेल्दी समाधान। आज हम बात करेंगे एक ऐसे फल की जिसे अमृत तुल्य माना गया है, और ये क्या है? जी हाँ, आंवला। आंवला में चमत्कारिक गुण पाए जाते हैं और इसमें 100 से भी ज्यादा रोगों को दूर करने की क्षमता है। इसको न्यूट्रिएंट्स का पावर हाउस कहा गया है, क्योंकि इसमें विटामिन ए, बी कॉम्प्लेक्स, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर और डायुरेटिक एसिड पाए जाते हैं। क्योंकि इसमें विटामिन सी सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए ये बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है और बीमारियों से हमारी रक्षा करता है। आंवला सर्दी और जुकाम, अल्सर और पेट के इन्फेक्शन से भी हमें बचाता है। विटामिन सी सबसे ज्यादा होने की वजह से ये बॉडी की इन्फ्लेमेशन पर भी नजर रखता है। आंवला डायबिटीज में काफी फायदेमंद है, क्योंकि इसमें क्रोमियम तत्व पाए जाते हैं जो इंसुलिन हॉर्मोन्स को मजबूत कर खून में ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं। अगर आपको डायबिटीज है तो 30 ml आंवला जूस बहुत फायदा करेगा। आंवला में मौजूद क्रोमियम बीटा ब्लॉकर के प्रभाव को कम करता है, इससे आपका दिल मजबूत और हेल्दी बनता है। यही नहीं, आंवला खराब कोलेस्ट्रॉल को भी खत्म कर अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बनाने में मदद करता है। आंवले की चटनी, मुरब्बा किसी भी रूप में अगर आप खाएं तो बॉडी की वीकनेस दूर होती है और ताकत मिलती है। इसमें आयरन काफी भारी मात्रा में होता है, इसलिए खून की कमी दूर होती है और ऑक्सीजन लेवल्स भी बढ़ते हैं। क्योंकि इसमें विटामिन ए पाया जाता है, इसलिए बालों, स्किन और आंखों के लिए रामबाण दवा है। फाइबर कंटेंट ज्यादा होने के कारण आंवला खाने से हमें कॉन्स्टिपेशन की शिकायत नहीं होती। इसमें एंटी कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज होने के कारण ये कैंसर को भी मात देने में सक्षम है। प्रिकॉशंस में सिर्फ इतना कहूंगी कि अगर आंवला किसी को सूट ना करे तो इसे ना खाएं। वैसे ये सबके लिए बहुत अच्छा साबित हुआ है। आज हम एक ऐसे पौधे के बारे में बात करेंगे जो घर घर में मिलता है। ठीक समझे, एलोवेरा। एलोवेरा एक एवरग्रीन पौधा है जो हमें प्रकृति यानी कि नेचर ने दिया है। एलोवेरा का रस काफी गाढ़ा तरल पदार्थ होता है, जिसमें औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। एलोवेरा में बहुत सी एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, जो कई तरह से हमारे सेहत को फायदा पहुंचाते हैं। आजकल देखा गया है कि कॉस्मेटोलॉजी के क्षेत्र में इसका काफी प्रयोग किया जा रहा है। एलो जेल का उपयोग आमतौर पर त्वचा के लिए दवाएं बनाने के लिए काम आता है, जैसे कि जलन, घाव, स्किन इन्फेक्शन, सनबर्न, सोराइसिस और ड्राई स्किन वगैरह। एलोवेरा का इस्तेमाल मेकअप के सामान में भी यानी कि काफी चीजों में किया जाता है, जैसे लिपस्टिक, लिप जेल्स, सनस्क्रीन्स, क्रीम्स, मॉइस्चराइजर्स, उसके अलावा टिश्यूज, साबुन, शेविंग क्रीम, फेस वॉश, शैम्पूज आदि में भी इसका इस्तेमाल होता है। आजकल तो दोस्तों सैनिटाइजर्स में भी इसका काफी इस्तेमाल हो रहा है। अगर आप एलोवेरा का इस्तेमाल करते हैं तो आपके बाल झड़ने या टूटने की समस्या काफी हद तक खत्म हो जाएगी। इसके लिए कंडीशनर या शैम्पू के साथ 1 से 2 चम्मच एलोवेरा जूस को मिलाकर इस्तेमाल करें। ये न सिर्फ स्किन पर लगाने के काम आता है, बल्कि खाने से भी इसके बहुत फायदे हैं। अगर आप 10 से 20 ml एलोवेरा जूस रोजाना लेंगे तो वजन कम करने में बहुत मदद करता है। ये डाइजेशन के लिए रामबाण दवा है, क्योंकि इसका जो लैक्सेटिव इफेक्ट है वो दोनों कॉन्स्टिपेशन और डायरिया पर नजर रखता है और पेट की बीमारियों से लड़ता है। ये रक्त में शुगर लेवल को नियंत्रित करता है, इसलिए डायबिटीज के रोगियों के लिए बहुत फायदेमंद है। एलोवेरा दिल के लिए बहुत अच्छा होता है, ये कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स को नियंत्रित करने में बहुत मदद करता है। जोड़ों के दर्द में भी एलोवेरा काफी लाभदायक है। ये खून की कमी को दूर करता है और शरीर में इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। ये मच्छर से भी त्वचा की सुरक्षा करता है, क्योंकि इसमें प्राकृतिक रूप से मॉस्किटो रेपेलेंट जैसा गुण मौजूद है। शेव करने के बाद अगर चेहरे में कट पड़ जाता है तो ऐसे में एलोवेरा जेल एक आफ्टर शेव की तरह भी काम करता है। प्रिकॉशंस, एलोवेरा की कई किस्में हैं, तो स्किन के इस्तेमाल के लिए आप इसे कहीं से भी तोड़कर यूज कर सकते हैं, लेकिन जहां खाने की बात आती है वहां कहीं से भी तोड़कर इसे खाने से आपको बहुत जबरदस्त नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि जब इसे तैयार किया जाता है तो इसकी पूरी तरह से फिल्टरेशन होती है और उसके बाद इसको पैक किया जाता है, इसलिए पैक्ड वर्जन को ही यूज करें। और किसी को अगर इससे इस्तेमाल करने से एलर्जी हो जाए तो वह भी इसका प्रयोग ना करें। सब्जियों में सबसे कड़वी सब्जी करेला।
शायद दुनिया भर में सबसे कम पसंदीदा है, लेकिन गुणों में सबसे आगे है। इसलिए करेला हमेशा अपने अद्भुत स्वास्थ्य लाभों के कारण भारतीय व्यंजन में आगे रहने में कामयाब रहा है। करेले की सब्जी कई तरह से बनाई जाती है, लेकिन आज हम बात करेंगे करेले के जूस की। करेला पॉलीपेप्टाइड पी से भरपूर होता है और आयुर्वेदिक डॉक्टर्स भी अधिक लाभ के लिए रोजाना कम से कम 2 ml गाढ़े करेले के रस को पानी में मिलाकर पीने की सलाह देते हैं। करेले का रस रोजाना सुबह खाली पेट पिया जाता है। करेले का जूस एक वंडर मेडिसिन है जो इन्फेक्शंस को फाइट करता है और इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इसमें खून साफ करने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है, इसलिए इसे ब्लड प्यूरिफायर भी कहा जाता है। ये ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है और टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करता है, जिससे स्किन इन्फेक्शंस, रैशेस और सोराइसिस से हमारी प्रोटेक्शन होती है। ये इनडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन और हमारे इंटेस्टाइन्स पर भी नजर रखता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं जो फ्री रेडिकल से हमारी रक्षा करते हैं और कैंसर से हमें बचाते हैं। ये बुरे कोलेस्ट्रॉल LDL से हमें बचाता है जो हमारी आर्टरीज में प्लाक बनाते हैं, इसलिए इसे हमारे हार्ट की सुरक्षा होती है। डायबिटीज यानी कि शुगर के मरीज, उनके लिए करेले का जूस एक रामबाण दवा है और ये शुगर लेवल्स को कम कर डायबिटीज को नियंत्रित करता है। विटामिन ए और बीटा कैरोटीन से भरपूर होने के कारण करेले के रस का नियमित सेवन करने से आंखों की दृष्टि में सुधार होता है और ये कैटरैक्ट जैसी बीमारियों से हमें बचाता है। सबसे जरूरी काम जो करेले का जूस करता है वह है लिवर डिटॉक्सिफिकेशन, यानी कि इसका खाली पेट सेवन किया जाए तो नशे से भी होने वाले हैंगओवर में ये हमारी मदद करता है। प्रीमैच्योर ग्रे हेयर, ऑयली हेयर और डैंड्रफ का इलाज अगर करना हो तो 2 चम्मच करेले का जूस लेकर अपने स्कैल्प का मसाज करें, 10 मिनट तक रखें और फिर शैम्पू से धो लें। अगर किसी के बाल ड्राई हैं तो धोने के बाद एलोवेरा जेल या कंडीशनर का इस्तेमाल करना ना भूलें। प्रिकॉशंस, हालांकि करेला हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है, फिर भी इसे मॉडरेशन में इस्तेमाल लाना चाहिए, क्योंकि ज्यादा जूस लेने से आपको एसिडिटी, पेट दर्द और डायरिया की शिकायत भी हो सकती है। डायबिटीज के पेशेंट्स को भी इसे अपनी दवा के साथ सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसके साथ आप सबसे मैं विदा लेते हुए आपकी अच्छी सेहत की कामना करती हूँ। तो खुश रहें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।